तो यहाँ देखिए फिनिशिंग से हमारी ये बेल्ट लग गई है और बैक से भी मैं आपको इसका दिखाऊं लोग। तो ये देखिए बिल्कुल भी हमारी फिनिशिंग है, मैं आपको इसमें कैची रख के दिखाती हूँ। देखिए कितने आराम से मेरी यहाँ पर पूरी कैची इस तरह से आ चुकी है। ये देखिए पूरी इतनी बड़ी हमारी जो कैची है वो पूरी पॉकेट में हमारी आ चुकी है। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पैंट ट्राउजर में हमें किस तरह से बेल्ट लगानी होती है, ये देखिए सिंपल सी मैंने यहाँ पर बेल्ट कट करके रख ली है और फ्रंट की साइड में इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा के रख ली है। तो हमें बेल्ट लगाना सीखना है। और लेकिन बेल्ट लगाने से पहले क्या होता है, हमें पॉकेट लगानी होती है। तो पॉकेट को भी मैंने यहाँ पर कट करके रख लिया है, ये देखिए इस तरह से दो पीस मैंने ले लिए हैं और यहाँ पर इसको भी मैंने दूसरी साइड से भी यहाँ पर प्लेट्स लगा के तैयार कर दिया है। जब भी हमें पॉकेट लगानी होती है तो हमें यहाँ पर प्लेट्स लगानी होती है, उसके बाद में हम पॉकेट लगाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पॉकेट लगाना बताऊंगी, साथ ही साथ हमारी जो बेल्ट होती है उसको भी हमें किस तरह से फिनिशिंग से लगाना है ये सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी पॉकेट लगाने में कोई दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बेल्ट है वो हमने इस तरह से कट करके है जितना हमारा ये कमर का साइज है। तो बेल्ट को हमें इतना कट करना होता है, प्लीट्स डालने के बाद में जितना हमारा कमर का साइज बचेगा तो इस हिसाब से हमें यहां पर ये ले लेनी होती है पेस्टिंग। तो मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग ली है, आप यहाँ पर बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.25 इंची की ली है और इसी से डबल हमने ये फैब्रिक लिया है जो पे हमें ये लगाना है। तो ये देखिए डबल मैंने इस तरह से ले लिया है और इसके बाद में 1 इंची हमने मार्जिन लिया। देखा, आधा इधर फोल्ड हो जाएगा, आधा इधर फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होने के बाद में इतना हमारा सिलाई मार्जिन बचेगा। तो आपको इस तरह से बेल्ट लेनी है और बेल्ट के साथ में इसके लिए फैब्रिक चाहिए होगा। अभी देख लेते हैं, हमारे बेल्ट के लिए हमने बता दिया आपको, अब पॉकेट हमें किस तरह से लेनी है। तो देखिए सेम साइज़ के मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए चौड़ाई हमने यहाँ पर लगभग इसको 6 इंची लिया है, दोनों ही पीस हमारे सेम साइज़ के रहेंगे और लंबाई आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ले ली है इसकी 13 इंची, लगभग 13.5 इंची की हमारी ये लंबाई है। इसको लगाना किस तरह से है बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगी। और अब देखिए इसका एक पीस हम ले लेंगे कोई सा भी, तो ये पीस मैं एक साइड रख देती हूँ और जो इस पे रखा हुआ है यही हम ले लेने हैं। ये हमारी सीधी साइड है और इस तरह से एक पीस को हम इसके ऊपर से रखेंगे और यहाँ पर हमारा कर्व होता है। तो देखिए कुछ कर्व वाला हिस्सा हमारा इस तरह से रहेगा, इसको हम पलट के रख लेंगे कि हमारा कर्व वाला हिस्सा इधर साइड आ जाए जब हमने इसकी कटिंग की थी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ऊपर की साइड से यहाँ से हमें निशान लगाना है 1.5 इंची का। ये देखिए निशान हमने 1.5 इंची का लगा लिया और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इस पर हम सिलाई लगाएंगे, वो निशान लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहला निशान मैं आपको फिर बता दूँ, सबसे पहला निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 1.5 इंची ले सकते हैं, आप 2 इंची भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 से 2.25 इंची यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर 0.5 इंची का गैप लेंगे हम, एक पैर के मार्जिन से इस सिलाई को ऊपर करेंगे। अब इस निशान से नीचे की तरफ हमें 5.5 इंची से लेके 6 इंची तक यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। ये देखिए तो ये चीज़ हमारी इस तरह से रह गई और अब ये देखिए यहाँ से इधर की साइड में ये हमारा जाएगा। तो ये तो नीचे की साइड सिलाई चली जाएगी, ये हमारी ऊपर की साइड सिलाई जाएगी। अब हमें जो निशान ये जो लगाया है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से, तो यहां से लेके हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जहां पर हमने निशान लगाया है यहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे और यहां पर सिलाई को लॉक जरूर कीजिएगा और इस निशान को लेते हुए यहाँ तक हमें सिलाई लेके आनी है। ये देखिए यहाँ पे भी लॉक कर लेंगे सिलाई को। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई को लॉक कर लिया, यहाँ से धागे को हम कट कर लेंगे और अब जो ये हमारे निशान लगे हुए हैं इस पर हमें कट लगाना है सिर्फ यहीं तक जहाँ तक हमारी सिलाई लगी है। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ देखिए ये कट हमारा इस तरह से लग चुका है, इधर की साइड से भी कट लग गया। अब इस फैब्रिक को जो हमने कपड़ा ऊपर लगाया है इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये देखिए, और इसके कोने हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटेंगे और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे। तो सिलाई हमें यहाँ से लेके यहीं तक लगानी है। अब दिखाती हूँ आपको कैसे लगानी है।
ये देखिए यहाँ से लेके आएंगे, जहाँ से हमने कट लगाया है यहीं पे हम सुई को रखेंगे आगे की तरफ, और देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सबसे पहले सिलाई को लॉक कर दिए, सुई को नीचे की तरफ रखेंगे और इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। ये देखिए ऊपर से भी जो हमारा कट लगा हुआ है उसको इस तरह से मिलाएंगे, और जो हमारी सिलाई की किनारी है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर क्रीज बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से क्रीज बनाने के बाद एक पैर के मार्जिन से सिलाई यहाँ तक लेके आनी है हमें। सुई को हमने नीचे की तरफ रखा, इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर लाके सिलाई को लॉक करेंगे, यहाँ से धागे को कट करेंगे। तो आप देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे यहाँ पर सिलाई लग चुकी है ऊपर की साइड में। इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद में अब देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे ऐसे करके, यानी कि ये पॉकेट जो है वो हमारी अंदर की तरफ है, लेकिन अब हम इसको इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे और इसका दूसरा जो पीस है वो ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए पॉकेट हमने रखी, खुली वाली साइड हमारी नीचे की तरफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और अब देखिए इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, कॉर्नर से हम इसके कोने को निकाल लेंगे, और अब देखिए इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे इसके ऊपर रखते हुए। तो अब देखिए मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पॉकेट हमारी इस तरह से बंद हो चुकी है सिलाई से सिलाई लगते हुए, और इसको हम पलट के रखेंगे इस तरह से। सबसे पहले एक सिलाई हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, दोनों कपड़ों को मिला के रखेंगे इस तरह से, यहाँ पर तीनों कपड़ों को बराबर मिला लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें सेट कर लेना है, इतना कपड़ा हमारा ये बाहर की तरफ रहना चाहिए एक पैर के मार्जिन से, यहाँ पर जितनी हमने सिलाई लगाई थी इसको इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी सिलाई लग गई है, और अब देखिए यहाँ से जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है ये हम बाहर की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे एक पैर के मार्जिन लेते हुए। ये जितना एक्स्ट्रा हो रहा है इसको कट कर देंगे, ये देखिए अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ देखिए हमने ये पॉकेट अटैच कर दी है, देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी यहाँ पर पॉकेट लग चुकी है, और अब हमें इस पर बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमने ये पट्टी ले ली है, और ये पट्टी लेने के बाद में ये देखिए चिकना वाला साइड जो होगा ये इसके ऊपर से रखेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर से रखते हुए पूरे इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसको अभी हम एक साइड रखते हैं, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, इतना हमारा गैप आ गया, इतना ही हमने सिलाई में लिया था पूरे हिसाब से। अब देखिए इसको हमें लगाना किस तरह से है, इसको रखेंगे हम सीधा, और ये उल्टी साइड हमारी नीचे की तरफ है, और इसके ऊपर से हमने इसको सीधा रखना है, ये भी हमारा सीधा है ये भी हमारा सीधा है, इधर से रखेंगे इस पर सिलाई लगाएंगे।
देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है पूरी ही इस पे। और अब देखिए जो हमारी बेल्ट होगी उसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, सिलाई का मार्जिन को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पे हम इस तरह से रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे किनारे की। ये देखिए इस तरह से ये जो सिलाई हमारी बिल्कुल किनारे पे आएगी। तो यहाँ देखिए सिलाई हमारी लग गई है, अब एक सिलाई हम ऊपर की तरफ लगानी है। तो यहाँ देखिए फिनिशिंग से हमारी ये बेल्ट लग गई है और बैक से भी मैं आपको इसका दिखाऊं लुक। तो ये देखिए बिल्कुल भी हमारी कोई सिलाई इसमें नहीं दिख रही है, बैक से हमारी ये है और फ्रंट से हमारी इस तरह से लुक आ रहा है। और पॉकेट रही हमारे ये, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पॉकेट बनके तैयार हो चुकी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को हम तैयार करेंगे और यहाँ से जैसे हम सिलाई लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, इतने पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारा कपड़ा ना दबे और सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर ये पॉकेट बन के तैयार हो चुकी है। अभी देखिए मैं आपको इसमें कैंची रख के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने आराम से मेरी यहाँ पर पूरी कैंची इस तरह से आ चुकी है। ये देखिए पूरी इतनी बड़ी हमारी जो कैंची है वो पूरी पॉकेट में हमारी आ चुकी है फिनिशिंग के साथ में, और कोई भी यहाँ पर झोल नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए इतनी बड़ी मैंने आपको ये पॉकेट यहाँ पर लगा के दिखाई है, देखिए कितनी बड़ी है। देखिए पॉकेट हमारी लगभग यहाँ पर 12 इंच की बनके तैयार हुई है, इजीली इसको आप बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, हर एक डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।